नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों एक खबर लेकर आया हूं। खबर यह है कि जो india.com एक अखबार है बच्चों, इसकी एक खबर है कि जो एनटीए के अध्यक्ष हैं, यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बच्चे मांग कर रहे हैं, ट्विटर पे मेल कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं कि करेक्शन की विंडो को फिर से खोल दिया जाए, जो त्रुटियां हुई है, जो गलतियां हुई है फॉर्म भरने में, उनको सुधारने के लिए फिर से विंडो को ओपन कर दिया जाए। तो बच्चों ये मांग है बच्चों की, ये खबर आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये इस प्लेटफॉर्म से, सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक ये खबर पहुंचा दूं बच्चों। लेकिन एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो खबर है, ये पेपर में जरूर आई हो कि करेक्शन विंडो को खोल देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब करेक्शन की जो विंडो है, और आप लोग भी ऐसा सोच के बैठे हो, तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल देना बच्चों। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों अब करेक्शन की जो विंडो है वो खुलने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दो मौके दे चुका है, 1 से 3 अप्रैल के बीच में दे चुका है बच्चे, ठीक है। उसके बाद 9 से 11 अप्रैल के बीच में वो फिर से आप लोगों को करेक्शन की विंडो ओपन कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा करेगा, क्योंकि 30 अप्रैल से उसको, ठीक है, स्थान का निर्धारण करना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर निर्धारित करने हैं, और फिर से एक विंडो ओपन करके जो उसने पूरी सारी चीजें मैनेज कर ली होंगी सीयूटी के लिए एनटीए ने, अब मुझे नहीं लगता कि उन सारी चीजों को वो डिस्टर्ब करना चाहे। तो जो ये खबर थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बच्चों ऐसे ही खबरें प्राप्त करने के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करते चलें। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।